दोस्तों आईफोन में एक नया फीचर आया है स्टैंड बाय मोड नाम से, जिसमें आप आपके आईफोन को अगर चार्जिंग पे रख के इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हो स्क्रीन लॉक करने के बाद, तो आप अलग अलग लेआउट जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। आप आपके इवेंट्स चेक कर पाओगे, कुछ भी चेक कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फोटोज चेक कर सकते हो। उसके बाद में अलग अलग क्लॉक के लेआउट जो है आपको इस तरीके से मिल जाते हैं और इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फीचर। अब इस फीचर को एक्टिवेट कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाला। उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आईफोन में स्टैंड बाय मोड एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद में नीचे स्क्रोल कीजिए और यहाँ पर आपको स्टैंड बाय का नया ऑप्शन मिल जाता है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट पेज पर स्टैंड बाय का जो टॉगल है दोस्तों वो आपको इस तरीके से ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करते हो दो और ऑप्शन मिलेंगे, नाइट मोड एंड शो नोटिफिकेशन। नाइट मोड का टॉगल ऑन रखिए और इसका काम क्या है वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा। शो नोटिफिकेशन, अगर आपको नोटिफिकेशन स्टैंड बाय मोड में चाहिए तो इस टॉगल को आपको ऑन रखना है, अगर नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो। तो बस इतनी सेटिंग है जो आपको करनी है आपके आईफोन के अंदर और स्टैंड बाय मोड आप एक्सेस कर सकते हो। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन यहाँ पे चार्ज पे होना चाहिए और लॉक होने के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चार्जिंग पे है, मैंने फ़ोन भी लॉक कर दिया, बट वर्टिकल पोजीशन में होने के कारण स्टैंड बाय अभी जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करता हूँ तो कुछ टाइम में ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड में जो है स्विच कर लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कर दिया है। अब इस साइड पे आपको क्लॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ चीज़ें चेंज करनी है आप इस तरीके से ऊपर नीचे स्वाइप करके जो है विजेट्स को एक्सेस कर सकते हो। कुछ आपको ऐड करना होगा इस साइड पे तो आप बस टैप करके रखिए और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप अलग अलग विजेट्स जो है आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे दूसरे साइड पे ऊपर नीचे स्वाइप करते हो तो आपको अलग अलग विजेट्स जो है मिल जाएंगे, तो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ ऐड करना है, टैप करके रखिए, प्लस ऑप्शन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो लेआउट आपको जो भी चाहिए वो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके रख दीजिए और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं इस तरीके से लेफ्ट साइड में स्वाइप करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे नेचर वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जो है आपको कुछ फोटोज़ जो है यहाँ पे ये शो करेगा। इसमें भी कुछ आपको ऐड करना है, टैप करके रखिए और यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे जाइए तो आप आपके एल्बम में से जो चीज़ें आपको चाहिए सिलेक्ट करके वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब एक और बार अगर मैं लेफ्ट साइड पर स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर क्लॉक के जो भी ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। अब ये एक लेआउट है, अगर मैं ऊपर स्वाइप करूं तो ये एक लेआउट है। इसका फॉन्ट या कुछ भी कलर अगर मुझे चेंज करना है तो आप इस तरीके से आप टैप कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप कीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो आपको जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों का हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर स्वाइप करूँ तो एक और लेआउट आपको मिल जाएगा, ये एक लेआउट आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर मैं टैप करके रखूँ तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे टैप कीजिए और जो कलर आपको चाहिए इस तरीके से आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एक और क्लॉक का ऑप्शन मिलता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, वो है ये वाला। इसमें भी आप अलग अलग कलर्स जो है आपके हिसाब से सेट करके रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो स्टैंड बाय मोड में आप कर पाओगे। आपको जो लेआउट पसंद आता है, जो कलर पसंद आता है, वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं नाइट मोड के ऊपर कि नाइट मोड आपको एक्टिवेट कैसे करना है। अभी एक लेआउट जो है मैं यहाँ पे सेट करके रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। जैसे ही मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगा ये ऑटोमेटिकली रेड टिंट के ऊपर जो है स्विच कर देता है, जिसकी मदद से एक और नया लुक जो है आपको स्टैंड बाय मोड में मिल जाता है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे ही मैं यहाँ पर इस फ़ोन को चार्ज से हटाता हूँ आप देख सकते हो ये जो है स्टैंड बाय मोड से हट जाएगा और वापस स्टैंड बाय मोड में लाने के लिए चार्जिंग पर रखना है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखना है तो ये स्टैंड बाय मोड एक्टिवेट कर देगा। तो ये एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छी लगी जो इस बार आपको मिलती है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वीडियो में जाते जाते बता दूं कि सेटिंग्स ऑप्शन में जाके आपको सबसे पहले आपका OS वर्जन जो है वो चेक करना है, क्योंकि ये जो फीचर है स्टैंड बाय का ये आपको सिर्फ iOS 17 के ऊपर मिलेगा। अगर आप iOS 16 के ऊपर है तो आप स्टैंड बाय मोड नहीं एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इस लिस्ट में स्टैंड बाय का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपडेट करते हो iOS 17 पे तो स्टैंड बाय का ऑप्शन मिल जाएगा और आप ये नया फीचर यूज़ कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ज़रा भी पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना। ये नया वाला फीचर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे याद से बताइए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।